गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास और आज हम ईवीएस का चैप्टर फोर्थ लर्न करेंगे। पिछली क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है फ्लायर्स यानी पक्षी। तरह तरह के पक्षियों के बारे में हमने इसमें लर्न किया था, उनकी अलग अलग फेदर्स होते हैं, अलग अलग पंख होते हैं और अलग अलग पक्षियों के नाम देखे थे। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे उड़ते हैं, कुछ हाई डिस्टेंस में उड़ते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे ही उड़ान करते हैं। इस तरह से हमने कई तरह के बर्ड्स के बारे में इसमें हमने लर्न किया था और इनकी बीक्स यानी चोंच इसके बारे में हम लर्न करेंगे। बर्ड्स नीड फूड टू गेट एनर्जी टू फ्लाई, दे हैव ए बीक आई देयर माउथ, यानी बर्ड को भी भोजन की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए और इसके लिए उनके बीक होती है, चोंच होती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट बीक्स, दे हैव नो टीथ, यानी अलग अलग जो बर्ड हैं उनकी अलग अलग बीक्स होती है, चोंच होती है। दे हैव नो टीथ यानी उनके टीथ नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक्स टू कैच एंड होल्ड फूड, यानी वो जो बीक्स है उनकी वो फूड को कैच और पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने के लिए काम आती है। द शेप ऑफ ए बर्ड्स बीक टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स, यानी जो उनकी बीक्स है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पक्षी कौन किस तरह से भोजन, कौन कौन सा भोजन वो खाता है। सबसे पहले आता है इसमें पैरट। द पैरट्स कर्व्ड बीक हेल्प इज टू ईट सीड्स नट्स एंड फ्रूट्स। पैरेट हम सब ने देखा ही है, उसकी चोंच होती है आगे की तरफ मुड़ी हुई और वो इस चोंच से सीड्स यानी अनाज के दाने, बीज और मूंगफली फ्रूट्स जो हम देते हैं उसको वो खाता है। स्पैरो चिड़िया। द स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक्स टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, यानी कबूतर और चिड़िया की जो चोंच होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और आगे से पॉइंटेड तीखी होती है जिससे वो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको तोड़कर खाती है। ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स, यानी जो ईगल है चील और हॉक होता है बाज, वो क्या करते हैं दूसरे एनिमलों का शिकार करते हैं और उनको खाते हैं, जैसे कि चूहा है, छछुंदर है, इस तरह से वो इनको पकड़ के खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक टू हेल्प देम टियर द मीट, यानी उसकी उनकी जो चोंच होती है वो एकदम मजबूत, बहुत तीखी और एक हुक होता है जिसमें जैसे कड़ी जैसा होता है उस तरह से होता है जिसमें वो अपने एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और उनको उनका मांस चीर के खाते हैं, यानी उन एनिमल्स को पकड़ के उनके मांस को चीर कर वो खा सकते हैं, इतनी शार्प और हुक्ड टाइप की इनकी बीक होती है। वुड पीकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स टू मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स, वुड पीकर यानी इसको कट फड़ोवा बोलते हैं, ये है वुड पीकर यानी वुड यानी लकड़ी को जो काट काट के चोंच से उसको तीखा तीखा करता है वो वुड पीकर कहलाता है। उसकी जो चोंच होती है वो थोड़ी लंबी होती है और पॉइंटेड होती है जिससे वो जो पेड़ की जो तना होता है उसमें छेद कर देती है। दे सर्च एंड कैच इंसेक्ट्स हाइडिंग इनसाइड द होल्स, यानी पेड़ के तने में कई तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको वो पकड़ती है, उनको ढूंढती है और इस होल के अंदर वो खाती है रखकर। पेलिकेंस हैव लॉन्ग सीजर्स लाइक बीक्स विद विच दे कैन पिक अप स्मॉल फिश इन वाटर, बत्तख है पेलिकेंस है जो उनकी चोंच सीजर की तरह होती है, कैंची की तरह होती है और वो पानी में छोटी छोटी जो फिश होती है उनको पकड़कर खाती है। द हमिंग बर्ड हैज ए लॉन्ग थिन बीक दैट कैन रीच डीप इनसाइड ए
फ्लावर टू सिप नेक्टर। हमिंग बर्ड होती है वो, उसकी लॉन्ग और पतली सी चोंच होती है एकदम छोटी सी। देखो ये पिक्चर में दिखाई गई है, अलग अलग सभी बर्ड्स की बीक्स दिखाई गई है। ये क्या करती है, फूल के अंदर जो पराग होता है, रस होता है, उसको चूसती है और वो इसको रस को ग्रहण करती है। ये हमिंग बर्ड है। अब आता है डक। डक्स हैव बोर्ड फ्लैट बीक्स विद होल्स, यानी डक्स होते हैं उनके छोटी सी चोंच होती है फ्लैट एकदम चौड़ी, और उसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, छेद बने होते हैं। दे डाई अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड, बट दे ऑल्सो टेक इन ए लॉट ऑफ रबिश अलॉन्ग विद द फूड। यानी ये जो बत्तख टाइप है, डक्स है, ये पानी में डाई करते हैं फूड की तलाश के लिए, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी कचरा वगैरह इनकी चोंच में फंस जाता है। खाने के साथ साथ में इनकी चोंच में कचरा भी आ जाता है। दियर बीक्स फंक्शन लाइक सीव्स दैट सेपरेट द फूड फ्रॉम द रबिश। यानी जो इनकी बीक में जो कचरा फंस के आ जाता है, वो बीक है इनका छानने का काम करती है। जैसे छल्ली में जैसे छेद होते हैं जिससे कचरा अलग हो जाता है, चाय पत्ती छानते हैं अपन तो चाय जब छानते हैं तो चाय अलग हो जाती है और पत्ती उस छल्ली में रह जाती है। इसी तरह इसकी चोंच में जो कचरा आता है वो ये अलग कर देती है और जो खाना होता है उसको खा लेती है। द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द होल्स, और जो उसके चोंच में छेद बने होते हैं वहाँ उससे पानी निकल के ये कचरा अलग कर देती है और फूड इनका होता है जो साफ साफ उसको ये खा लेती है। तो ये है अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बीक्स के बारे में हमने लर्न किया है। अब आता है नेस्ट, यानी इनके घोंसले या घर। अ नेस्ट इज द होम ऑफ ए बर्ड, जो घोंसला है वो एक चिड़िया का घर होता है। इट मेक्स द नेस्ट टू लिव इन, टू ले एंड हैच एग्स एंड टू प्रोटेक्ट लिटिल बर्ड्स टिल दे ग्रो अप। यानी बर्ड्स जहाँ रहती है वो घोंसला उनका घर है, वो घोंसला कहलाता है, इसी में वो रहती हैं और अपने अंडे को छोड़ती है, अंडे देती है, और जो छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं चिड़िया के, वो जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हीं घोंसलों में रहते हैं और इनको यहाँ पे सुरक्षा भी मिलती है। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, यानी जो अलग अलग बर्ड्स है वो अलग अलग टाइप्स के घोंसले बनाती है। बर्ड्स यूज मटेरियल्स सच एज ट्विग्स, ट्विन, वूल, कॉटन एंड ड्राई ग्रास टू बिल्ड नेस्ट। यानी जो बर्ड्स है वो अलग अलग सामान लाती है, जैसे कि रस्सी है, घास फूस है, ऊन है, कॉटन के धागे हैं, सूखी घास फूस होती है, इससे ये अपना घोंसला बनाती है। पीकॉक्स बिल्ड नेस्ट्स एमिडस्ट टॉल ग्रास ऑन द ग्राउंड, यानी जो पीकॉक है वो घास के बीच में, जो ग्राउंड में ग्रास होती है उसके बीच में अपना घोंसला बनाता है। अ वुड पीकर ड्रिल होल बाय इट्स बीक ऑन द ट्री ट्रंक टू मेक द इट्स नेस्ट, यानी जो वुड पीकर है उसकी बीक के बारे में हमने अभी लर्न किया था, तो उसकी जो तीखी तीखी चोंच होती है उससे ये पेड़ के तने में छेद कर देती है और छेद करके यहीं पर ये अपना घोंसला बनाती है। देखो एक ये टेलर बर्ड होती है, ये अपना घोंसला यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको आपको पिक्चर में दिखाया गया है। द वीवर बर्ड्स नेस्ट हैज रूम्स एंड दे एंड द एंट्री इज फ्रॉम द बॉटम, यानी जो वीवर बर्ड है बुनकर बक्षी बोलते हैं जिसको, बुना हुआ घर होता है उसमें रूम्स जैसा वो बनाती है और इसकी जो एंट्री होती है वो नीचे से होती है। द टेलर बर्ड यूजेज इट्स लॉन्ग थिन बीक टू स्टिच लीव्स टूगेदर विद ड्राई ग्रास, वूल और
thread from a spider's web to make it nest. यानी जो टेलर बर्ड है वो एक सिलाई का काम करती है, जैसे कपड़े जैसे सिलते हैं इसी तरह ही अपने घर को सिलकर, जैसे पत्तियों को सिलकर अपना घर बनाती है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहते हैं। और इसके लिए ये अपने सामान लेती है, जैसे कि ग्रास ले लेती है, धागा लेती है और ऊन वगैरह ये ले लेती है। और मकड़ी का जैसे जाला बना हुआ होता है उसी तरह ये भी अपना घोंसला इसी तरह इसको बुन के बनाती है और पत्तियों के पास पास सिलकर ये बनाती है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहते हैं। पेंगुइन बिल्ड्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, दे यूज पीबेल्स एज नथिंग एल्स इज फाउंड इन द कोल्ड रीजन्स वेयर दे लिव। यानी जो पेंगुइन है वो अपना घर ग्राउंड पे बनाती है, नेस्ट है जो ग्राउंड पे बनाती है, और उसके लिए वो कुछ कंकड़ वगैरह इकट्ठे करती है जो उनको बस जो कोल्ड रीजन है वहीं पर ही वो मिलते हैं, जो ठंडी जगह है वहीं पे वो कंकड़ पत्थर इनको मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते, इसी से वो अपना घर बनाती है। तो अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग नेस्ट्स होते हैं और उनको डिज़ाइन और उनका जो शेप है अलग अलग होता है, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग घर होता है। अब है माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी प्रवासी पक्षी, जो हमारे यहाँ कोई एक फिक्स सीजन होती है तभी वो पक्षी हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ड्यू टू कोल्ड वेदर। यानी जो कुछ बर्ड्स है वो बहुत आगे पीछे घूमती रहती हैं, जैसे कि भारत में जब ठंडी जगह होती है एवरी ईयर ड्यू टू कोल्ड वेदर, यानी जो ठंडी जगह से आती है, दे स्टे देयर एंड देन फ्लाई बैक व्हेन द वेदर चेंज। यानी जो ठंड होती है तब वो इधर आ जाती है और जैसे ही वेदर चेंज होता है तो अपनी जगह वापस चली जाती है। तो इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी इन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। देयर आर थ्री मेन रीजंस फॉर बर्ड्स टू माइग्रेट, यानी पक्षियों को जो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं जिस वजह से बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह अपना प्रवास करती है, एक जगह से दूसरी जगह रहती है। दे आर इन सर्च ऑफ फूड, यानी फर्स्ट जो रीज़न है, फर्स्ट जो कारण है वो है कि इनको भोजन की तलाश होती है। इन ऑर्डर टू ब्रीड और टू एवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, यानी उनको वहाँ की जो जलवायु है वो उनको पसंद नहीं आती है, उनको सूट नहीं होती है, इसलिए वो अवॉइड करती है। और उनको अंडे देने का, उनको जनन कार्य करने का जो काम है, इस वजह से वो प्रवास करते हैं। सम माइग्रेटरी बर्ड्स आर फ्लेमिंगोस, आर्कटिक क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स एक्सेट्रा। यानी जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स इनके नाम है, क्या क्या नाम है, फ्लेमिंगोस, आर्कटिक क्रेन्स एंड साइबेरियन क्रेन्स। ये जो पक्षी है वो हमारे एक जो वेदर होता है उसमें रहने के लिए आते हैं और उस सीजन में हमको ये पक्षी दिखाई देते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने कर लिए होंगे। अब आपको ये 1, 2, 3 एंड ये 4, ये जो चार क्वेश्चन है ये अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।